तो यार भाई वेलकम है तुम्हारा मास्टर बिल्डर के इस नए व्लॉग में, ठीक है। और ये सबसे भाई मोस्ट डिमांडेड व्लॉग है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, मेरी खुद की ऑडियंस, मैं जानता हूँ तुम लोग यार काफी ज्यादा मतलब एक टेंशन में रहेगी, भाई यार मास्टर बिल्डर का मार्मोसेट मंकी कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक। हमने तो वीडियो डाली थी कि भाई माई न्यू पेट, पर रीजन क्या हुआ कि यार मंकी नहीं आ पाया। तो अब उस सिलसिले में यार हम ये स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। और सबसे मेन तो देखो, मैं तुम्हें दिल से बताऊं, पहली बार ना मतलब मैं मंकीज को देख के थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूं, क्योंकि यार जब तक जानते हो तुम, तब तक मैं थोड़ा दूर था, मैं ठीक है अपना कंट्रोल कर पा रहा था, क्या ठीक है मंकी नहीं आ पाया, मंकी भी नहीं ले पाया, कोई नहीं यार, कोई नहीं कोई नहीं। अब यहाँ पे आया तो देख के लग रहा है कि यार क्यों ना इसको ले ही ले। पर अब एक्चुअल जो रीज़न है, मैं चाह रहा हूँ कि ना ये वाली वीडियो में हम एक्चुअल रीज़न बताएं कि क्या रीज़न हुआ जिसकी वजह से यार हम ये मंकी नहीं ले पाए, मतलब फाइनल नहीं कर पाए, दिल्ली नहीं आ पाई मंकी। और उसकी जो वजह है वो शुरुआत करेंगे सैयद भाई। सैयद भाई जरा दिल से बताया कि यार हुआ क्या था, कि लोग काफी, आपको पता है लोग काफी ज्यादा मतलब डिमांड कर रहे थे। सही बात है, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछ रहे थे कि वो दिल्ली वाला जो आए थे वो कब लेके जा रहे हैं मंकी वगैरह। हाँ। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि इनके मम्मी ने पहले बात तो वो मना कर रहे थे, डर रहे थे, देखा होगा वीडियो में। हाँ, तो वो डर रहे थे, इस वजह से गया नहीं था। और दूसरा जनरली बात क्या है कि यार सही भाई को मेरे पास इतना ही बताया था कि यार मम्मी ने यार बहुत ज्यादा मुझे डांटा वगैरह कि यार ऑफकोर्स दो कुत्ते मेरे पास वैसे ही घर पे है, अगर मैं एक और ऐसा बंदर ले आऊँ तो सच में भाई मेरी हालत बहुत खराब हो जानी थी घर पे। ऐसा मम्मी के शब्द थे कि तुझे निकाल दूंगी, इनको रख लूंगी, दो ऑप्शन है, या तू चले जा या ये आ जाए या ये चले जाए, तू रहे। तो मैं बड़ा फंस गया था यार। और इस वजह से मतलब बेसिकली मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, यही कुछ होल एंड सोल रीज़न है। और मतलब मैंने जोर जोर से बोल तो दिया था कि यार ले रहे, पर नहीं हो पाया। लेकिन तुम पास से देखो यार तुम, क्योंकि यही एक मौका है जिसमें तुम अपने मानव शेट बंकी को देख सकते हो। ओ भाई ये आराम से वॉर्म्स खा रहे हैं। हाँ, मिलवॉर्म्स खाते हैं काफी पसंद से। हाँ, बहुत पसंद से खा रहे हैं यार देखो। और पिछली वीडियो में तो यार जो हमने बनाई थी उसमें तो ये इतना मतलब हम उनको बाहर भी निकालने आए थे, बड़ा दिक्कत हो रही निकालने में। लेकिन इसमें देखो कितने आराम से बाहर बैठे हुए हैं, और इसका मतलब फेवरेट स्पॉट है ये। हाँ, जैसे ही डब्बा देख लेगा ना ये, हाँ, तो भागम दौड़ी करता रहे। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया में ना जब से मैंने वीडियो डाली कि यार मैं अपना नया पेट ले रहा हूँ मार्मोसेट मंकी, इतना ज्यादा भैया हाइप हो गया था ना कि मार्मोसेट मंकी कौन है, मंकी कैसा, क्या मंकी है ये कौन ले रहा है, क्या बड़ा हाइप हो गया था। तो बुरा मुझे भी लग रहा है यार, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें, अब सीधी सीधी बोलता हूँ ठीक है कि यार शायद से हम इस बार तो अपने मंकी को नहीं ले जा पाएंगे दिल्ली, लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम यार जरूर, मतलब मेरा प्लान हो रहा है कि यार मैं अपना, अच्छा इसका प्राइस कितना ज़्यादा वही बता दूँ आप। 5,50,000 कह रहे हैं। मैं तुम्हें याद है वीडियो में बताया भी था कहीं ना कि मेरा रीज़न ना प्राइस भी था कि यार ऊपर से प्राइस भी इतना ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो बताया था वीडियो में तुम्हें याद हो, एक ब्लॉग मैंने मिक्स किया था कि यार थोड़े पैसे मैं मिलाता, थोड़े पैसे मेरे ऑफकोर्स फैमिली मिलाती, क्योंकि 5,00,000 ज़्यादा होते हैं, मतलब उनको मनाना ज़रूरी था, अगर वो नहीं माने तो मेरा पूरा बजट हिल गया। और सैयद भाई तुम समझ रहे हो ना, जितने भी मेरे अच्छे भाई पर धंधा धंधा होता है, समझ रहे हो, धंधे में ऐसे मतलब बिजनेस बिजनेस है, दोस्ती अपनी जगह, ज़्यादा समय मेरे लिए डिलीवरी वगैरह कर देंगे अच्छे से, लेकिन ऑफकोर्स जो प्राइस है तो ब्रीडिंग प्राइस है, मतलब वो तो उतना ही रहता है ना, तो उसमें भी ये कुछ नहीं कर सकते। और ज़्यादा देखो भाषण देने का ना मुझे मन भी नहीं है यार, मैं तुमसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार मैं जानता हूँ तुम लोगों की उम्मीदें थी कि यार ये मंकी मेरे घर आएगा, और तुम लोगों के साथ मैं जानता हूँ तुम फील कर रहे होगे कि यार थोड़ा धोखा टाइप का हुआ है। मैं अगर मैं भी ऑडियंस होता ना, मैं भी ये समझता कि यार ये तो धोखा हुआ है, जो कि एक्चुअल में हुआ है, मतलब उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ यार, क्योंकि मेरे को वीडियो पहले बनानी नहीं चाहिए थी माई न्यू पेट। सो मैं ऐसा वीडियो बनाने के लिए, देखिए पहली बात जो आदमी लेना चाह रहा है वो आप लोगों को भी पता है काफी इंटरेस्टेड रहता है एनिमल खरीदने के लिए, और ये भाई तो एकदम फुल्ली इंटरेस्टेड थे खरीदने के लिए। इनके मम्मी ने मना किया इस वजह से, इनको मार्मो साइड अभी नहीं जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर 100% जाएगा। हाँ, इन फ्यूचर देखो ज्यादा से ज्यादा सैयद भाई के चैनल कर्नाटक में उनको सब्सक्राइब करो, अगर उनको लगेगा मेरी तो सब्सक्राइब ज्यादा गए, क्या पता मेरे को फ्री में दे दे, ठीक है। ये बात हमने पहले करी नहीं थी वैसे, ठीक है, ये बताए तो ये बात मैंने ऑन द वीडियो बोल दी है कि अब अगर सैयद भाई के चैनल पे जाओ कर्नाटक में, उनको कमेंट्स करो कि भाई मार्गो से लग, भाई अपने मास्टर बटे दे रहा हूँ उनको यार, ठीक है, जरा उनको प्रेशर बनाओ, है ना, ये अच्छा निकल गया वैसे। तो मेन यही यार, मतलब मेन यही वजह थी, और कहीं ना कि भैया की शादी वगैरह, मतलब शादी बीच में आ गई थी, तो कुछ और मतलब छोटे मोटे रीजन सब मिला के ना नहीं हो पाया, ठीक है। मैंने पिछली जो वीडियो थी मेरी माई न्यू पेट वाली, उसमें ओ भाई, ओ भाई। आजा, आजा। उस वीडियो में तुम्हें इस मार्मोसेट मंकी के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ सैयद भाई, हमने ना पता एक गलती कर दी,
हमने गलती क्या करी, हमने ना इस मार्मल शूट मंकी को पता कैसे फेमस किया है कि ये ऑफ कोर्स मैंने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मंकी डाल दिया। नहीं नहीं, ये सेकंड स्मॉलेस्ट मंकी है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट मंकी है, जो छोटा आता है वो पिग्मी मार्मोसेट आता है, इससे काफी छोटा आता है, वो अलग ही है। तो वो भी दिखाऊंगा मैं। अच्छा हाँ, वो भी दिखाऊंगा, बहुत जल्दी दिखाऊंगा, माने 2-3 दिन में मेरे पास आने वाला है। उसका प्राइस कितना है? उसका प्राइस 15 लाख रुपीज पेयर है। मार्मोसेट तक रहते हैं फिर अपर हम वो पिग्मी। अच्छा एक बार ना मंकीज की बता दो, क्योंकि यार ऑफ कोर्स हम अगर शोकेस कर रहे हैं सब्सक्राइबर, उनको रियल नॉलेज पता होनी चाहिए। ये अपना मार्मोसेट सेकंड स्मॉलेस्ट मंकी हो गया वर्ल्ड का, पिग्मीज हो गया अपना फर्स्ट, थर्ड में कौन सा आता है? थर्ड में रेड हैंड टैमरिन आता है, रेड हैंड टैमरिन, गोल्डन हेड टैमरिन आता है, लायन हेड टैमरिन आता है, कैपेचिनो आता है, भाई बॉटन टॉप आता है, मुस्टैक आता है, इंपेरियर आता है, जितना हमारा वेट नहीं है उससे ज्यादा पैसे का बंदर आता है। अच्छा देख लो भाई, मतलब मंकीज का सच में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आ रहा है और लोग देखना पालना पसंद कर रहे हैं, तो यही यार मुझे भी आ गया था। बाकी ठीक है। अच्छा सबसे मेन चीज़ व्लॉग है अपना, कोई बात शेयर कर सकते हैं हम। हमारी जो फ्लाइट थी ना भाई, वो फ्लाइट थी हमारी 9 बजे की, ठीक है। अभी करंटली मैं तुम लोगों को टाइम दिखा देता हूँ, मान लो सेट मंकी मुझे मगर हुई है। ये देख लो टाइम हो रहा है अभी 7:20, ठीक है, और जो मेरी फ्लाइट थी ना वो 9 बजे की थी। और मैं तो बताता हूँ, जो कर्नाटका एक्वेरियम शॉप है ना वो है अपनी जेपी नगर। और तुम लोगों को बताया भाई, बैंगलोर का ट्रैफिक भैया इंडिया में फेमस है, है ना, कि बैंगलोर में इतना ट्रैफिक सेकंड फेमस है, पहला तो मुंबई है, हाँ, और सेकंड बैंगलोर है, थर्ड दिल्ली है। तो मैं तो बताया था कैंपेगौड़ा बड़ा यूनिक सा नाम है। तो कैंपेगौड़ा जो मतलब बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बैंगलोर सिटी से ना करीब भाई 40 किलोमीटर दूर है, समझ लो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरे से मतलब क्या हो गया, 9 बजे की फ्लाइट थी, 6:30 बजे भैया ने मुझे खुद बताया कि अरे भाई क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यार, मतलब 1.5 घंटा में जाने रहेगा फ्लाइट पे, 2 घंटे पहले फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, बोर्डिंग आप सब लोगों को पता है कि बोर्डिंग कम से कम 1.5 घंटा पहले बोर्डिंग करना होता है। हाँ। और ये 1.5 घंटा पहले शॉप पे ही बैठे हुए थे। हाँ। यार हम थोड़ा वीडियो आने ज्यादा ध्यान देते हैं, अपन ये सब ना भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन क्या है, लास्ट मौके में हमारे सैयद भाई ने हमारे लिए मतलब फ्लाइट अरेंज कर दी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अभी भी जा सकते हो, जब सैयद भाई साथ में तो टेंशन किस बात में है ना। ओहो लाइन देख रहे हो, क्या मिलाप हुआ शब्दों का, ये बहुत अच्छा था। तो देखो यार अब अपन निकल चुके हैं अपने एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, और ये देख लो ये रही अपनी कैब, और ये अपने कैब वाले भैया हैं, ठीक है, अपने साथ। और भैया को ने पहले बोल दिया फटाफट चलते, क्योंकि यार देखो अभी 8 बज रहे हैं और अपनी जो फ्लाइट है वो 11 बजे में, तो बताया होगा अब क्या है कि एक मिस हो गई ना ऐसा तो अच्छा लगता ना, फटाफट से पहुँच जाएंगे, सही रहेगा, सेफ्टी रहेगी एक यार। एक तो मुझे प्लेन्स का ना पसंद नहीं आ पाया कि इतने घंटे पहले पहुँचे, क्यों पहुँचे भाई, हमारे लिए वेट कर लो, इतनी महंगी टिकट हमें बुक करिए। तो चलो आ जाओ, मजाक चलता रहेगा आप। और होपफुली यार मैं इस चीज़ को शायद मान लूँ कि यार तुम लोग समझ गए होगे अपनी यार मार्मोसेट मंकी वाला पूरा तो सीन हुआ, मैं तो एक तरीके से वो सीन ही है, कांड ही है यार, ऐसा कांड हो गया। लेकिन कोई नहीं, लेकिन समझ जाना यार, मतलब अब ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस चीज़ के ऊपर, अब सीधा तुम लोगों को सरप्राइज ही मिलेगा जब अपन अपना यार मार्मोसेट लेके आएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं, अब करके दिखाएंगे, है ना। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी गलती वगैरह होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेट इट भी करेंगे इस चीज़ को, और जल्दी कुछ ना कुछ तहलका लेके आएंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ भाई, जब मैंने वो वीडियोस डाली भी थी ना मंकी के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हाइप अपने चैनल पे आ गई थी, मैं समझ चुका हूँ कि हाँ तुम लोगों को अपने पूरे लाइफस्टाइल में एक नई चीज़ ऐड ऑन देखनी है, समझ रहे हो, चाहे वो कुछ भी, मतलब ऑफकोर्स मंकी से तो रिलेशन हो गया तुम लोगों का, लेकिन हाँ मैं कुछ भी ऐसा नया चीज़ लेके आऊँ तो तुम्हें मज़ा आएगा वो देखने में। तो जल्दी कुछ ना कुछ अपन नई चीज़ ऐसी ज़रूर अपनी फैमिली में लेके आएंगे, अब वो मंकी होगा, अब वो क्या होगा, उसके लिए देखो तुम लोगों को ज़्यादा सारा सपोर्ट दिखाना अपने चैनल पे, ठीक है। और ज़रा मुझे यार कमेंट सेक्शन में ना फुल भर दो, ब्रिंग बैक मार्मोसेट मंकी, ठीक है, जिसको मार्मोसेट मंकी की स्पेलिंग नहीं पता, ब्रिंग बैक MB मंकी, कुछ भी ऐसा मतलब भर दो, तो भाई हम भी देखेंगे यार, भाई सब लोग चाह रहे हैं कि अपन 5 लाख रुपया खर्च करके वो मंकी लेके आए, 5 लाख रुपया बहुत होते हैं ना, क्योंकि यार तो अगर तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तो अपन ज़रूर खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी थोड़े बाल बिखर रहे होंगे क्योंकि बारिश का वक्त हो रखा है बैंगलोर में, देख लो भाई ये कुछ यार बैंगलोर है अपना, बैंगलोर सच में भाई मुझे बैंगलोर बड़ा पसंद आता है, क्यों, क्योंकि वेदर यहाँ का एक नंबर है भाई, ठीक है। बाकी मैंने भैया को बोल दिया कि फटाफट से चला दो, भैया कितना टाइम लगेगा अपने पहुँचने में? 1 आवर सर, 1 घंटा। अभी देखो 8 बज रहे हैं, ठीक है, और अपनी फ्लाइट 11 बजे की है, ठीक है, 9 बजे तक भी पहुँच जाएंगे, 9:30 तो उतना समय होगा बोर्ड करने के लिए, वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट, फिर तुम्हें आगे का दिखाते हैं। चलो
यार देखो वीडियो अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं ठीक है। और सबसे मेन चीज भाई मैं तुम लोगों को बताया तो अभी ना मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का एग्जॉस्ट निकालने ठीक है, वेलवेट एग्जॉस्ट निकालने जा रहा हूँ मैं। और मतलब बहुत सारे और भी थोड़े सीन जो मुझे करने हैं, तो भाई आने वाले ब्लॉग भी तुम लोग यार देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, मतलब फन कर देंगे ना पूरा। बाकी अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है, मैंने कुछ ना कपड़ा नहीं पहना, तुम देख लेते हो, देखो हाँ नहीं दिखाता तो कुछ पहना नहीं है मैंने, इसलिए अपनी शक्ल दिखा पा रहा। लेकिन वीडियो चलो एंड करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थोड़ा शेयर में मार दो, दिखाओ कि देखो भाई ऐसी एग्जॉटिक मंकी अभी होती है मार्मोसेट मंकी ठीक है। और बाकी मुझे बताना कि यार अपन अपनी जो वेलवेट एग्जॉस्ट है इसको निकालने का मम्मी पर रिएक्शन ले नहीं ले, और साथ में मैं जो छोटी बाइक नहीं है मैं उसको भी बेच रहा हूँ साथ में, तो बहुत सारे सीन्स है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बने रहो वीडियोस में ठीक है। चलो मास्टर बिल्डर साइनिंग आउट।